हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवाली। टू आज की वीडियो में हम वंडर शेफ़ के इस रॉयल वेलवेट कुकवेयर सेट का आफ्टर यूज़ प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं। इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे चैनल के सामने दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से और सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस स्क्रीन पर गिवन है और परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिमेंबर कि प्राइस आर ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, तो प्राइस कम या ज़्यादा होते रहते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड। तो फ्रेंड्स, इस कुकवेयर सेट में ये 5 पीसेज कुकवेयर सेट है। इसमें हमें 5 पीसेज मिलते हैं, एक कढ़ाई, उसके साथ 1 ग्लास लेड, 1 फ्राइंग पैन, 1 तवा एंड 1 तड़का पैन, यानी कि 4 पैन्स हमें मिलते हैं और एक लिड मिलती है। तो इस तरह से मैं इनकी अनबॉक्सिंग आपके सामने नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये 2 साल पहले ख़रीदा था। लेकिन जब आप परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो इस तरह से बबल रैप्स में पैक होकर आपको ये चारों चीज़ों एक ही बॉक्स में मिलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसकी कढ़ाई की। 24 सेंटीमीटर का इसका डायामीटर है एंड 2.3 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। और ये एक फ्राइंग पैन है, इसका भी 24 सेंटीमीटर का डायामीटर है और 2 लीटर्स की कैपेसिटी है। ये जो डोसा तवा है, इसका भी 24 सेंटीमीटर का डायाम है। और ये है तड़का पैन, ये इंडक्शन बेस नहीं है, ये सिंपल है। तो इस तड़का पैन को छोड़कर बाकी जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें आप इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं और गैस स्टोव पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी काफ़ी अच्छी मार्बल कोटिंग, इसकी मार्बल फिनिशिंग दी हुई है इसके ऊपर, जो कि बहुत एक अच्छी क्वालिटी है। तो मैंने इसे आज परचेज़ नहीं किया है, मुझे इसे यूज़ करते हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। मैंने इसे 2 साल पहले परचेज़ किया था, तो आज भी मैं इसको बबल रैप में रखती हूँ, ताकि इन पे स्क्रैचेस ना पड़े। तो मैं आपको आगे बताऊँगी कि इसकी केयर एंड कैसे आप कर सकते हैं। तो ये तड़का पैन है, फिनिशिंग देखिए इनकी आप इतनी अच्छी है। मैं इनको 1 साल से रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ, तो इनकी कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। और ये कढ़ाई है, ये देखिए, इसकी भी कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। थोड़ा हल्दी वल्दी यूज़ करने से थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा रगड़ के क्लीन नहीं कर सकते हैं नॉन स्टिक होने की वजह से। तो ये देखिए, ये मैं इसको रेगुलरली 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर इसमें मैंने बनाकर दिखाई हुई है। ना ही इसका बॉटम पर कहीं भी जला है, ना ही अंदर से इसकी कोई कोटिंग ख़राब हुई है। सिर्फ हल्दी की वजह से थोड़ा सा कलर येलोइश हो गया है। बाकी पैन्स वगैरह भी मैंने यूज़ किए हैं, पर ये कढ़ाई मेरी डेली दिन में 2 बार यूज़ होती है। तो इसके साथ ये लिड दी हुई है, ये तीनों बड़े साइज़ के जो बर्तन हैं उन पे लग जाती है, तवा पे भी आ जाती है, पैन पे भी फिट हो जाती है और कढ़ाई पे भी फिट हो जाती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए। अगर आप नॉनस्टिक परचेज़ करना चाहते हैं तो ये इसी क्वालिटी का आप लें तो ये काफ़ी बेटर है। मैंने काफ़ी क्वालिटीज़ के नॉनस्टिक बर्तन किए परचेज़ किए हैं, पर इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है। मैं इसको 2 साल से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से इसको बबल रैप में पैक करके रखती हूँ, ताकि इन पर कोई स्क्रैचेस ना आए। यूज़ करने के बाद इनको वॉश करके जब ये सूख जाते हैं, तो मैं इसी तरह से बबल रैप में पैक करके इनको ड्रॉज में अपने सेट कर देती हूँ, ताकि इन पर कोई स्क्रैचेस ना पड़े। इसीलिए ये मेरे अभी तक ड्यूरेबल बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर इन पैन्स में, डोसा तवा पे मैंने डोसा बनाना दिखाया हुआ है, और तड़का पैन में मैंने तड़का चटनी की जो रेसिपी है उसमें तड़का वगैरह लगा के दिखाया हुआ है, और कढ़ाई में तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं। आगे मैं आपको शॉर्ट क्लिपिंग्स ऐड कर दूँगी। तो ये इसकी केयर इंस्ट्रक्शंस है, अगर आप इसको बबल रैप में पैक करके रखें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी बनी रहती है। तो ये एक टिप है इसकी केयर के लिए। ये सभी के हैंडल्स पे सिलिकॉन की कवरिंग दी हुई है, जो गर्म नहीं होती है और पकड़ने में काफ़ी अच्छे रहते हैं। काफ़ी सॉफ्ट कवरिंग दी हुई है, और वॉश करने से, चाहे आप डिश वॉशर में वॉश करें तब भी ये ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए, एक रेसिपी मैं आपको क्विक से दिखा रही हूँ। ये रेसिपी मैंने, इसमें डीप फ्राई भी आप कर सकते हैं, ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, मसालों को भून भी सकते हैं, और ड्राई ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं, लिक्विड ग्रेवीज भी बना सकते हैं, जो रेसिपी आप चाहें इसमें बना सकते हैं। तो इनको ये देखिए, इस तरह से बबल रैप में मैंने पैक कर दिया है। तो इस तरीके से ड्रॉज़ में मैं एडजस्ट कर देती हूँ पैन को नीचे रख के, क्योंकि पैन मेरा रेगुलरली यूज़ नहीं होता है। और इस पर मैंने ये अपनी ट्राईप्लाई कढ़ाई रख देती हूँ। ये भी इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर किया हुआ है मैंने, और बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और इस ट्राईप्लाई की वीडियो को भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है,
तो इस पर इस तरीके से मैं अपनी ये कढ़ाई सेट कर देती हूँ। ये फ्यूचरा का प्रेशर कुकर है, इसको भी मैंने बबल रैप में इस तरीके से कवर करके रखा हुआ है। इस तरह से कवर करके रखने से सारी चीज़ों को, इन चीज़ों पे स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इन सब पे नॉन स्टिक की कोटिंग होती है तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है। तो जब आपने इनको बबल रैप में पैक कर दिया तो आप उनको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो स्क्रैचेस का कोई ख़तरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी अदर इन्फॉर्मेशन। जब आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी होती है कि ये ISI सर्टिफाइड है और 2 ईयर की वारंटी भी इसके साथ मिलती है। तो मैंने आपको बताया है कि मैं लगभग इसको 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आई है। एज सच ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं, प्रॉपरली अगर मैं मेंशन नहीं कर पाई हूँ तो आप इस पिक्चर से जज कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स की डायमेंशंस, साइज़ वगैरह। तो ये भी डिटेल में बताया हुआ है कि ये प्रोडक्ट जो है ये एल्युमिनियम का है, इसके ऊपर मार्बल कोटिंग दी हुई है। तो इसमें इस 4-5 पीसी सेट में हमें तवा, कढ़ाई और पैन एंड तड़का पैन मिलता है। ये कुछ अदर रेसिपीज़ हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। ये सांभर, बिना इमली के सांभर की मेरी रेसिपी है जो मैंने इसी कढ़ाई में बनाई थी। आप लोगों ने उसे भी काफ़ी पसंद किया है। थैंक्स फॉर लाइकिंग माई वीडियो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में पोहा बना के दिखाया आपको, ड्राइव रेसिपी बता सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। तो ये सांभर की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं, आपको और अंदाज़ा लग जाएगा ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ होता है। तो इसमें आप चिकन करी भी बना सकते हैं, ज़्यादा देर तक बनने वाला सामान भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसमें चिकन करी बनाई हुई है, तो ये भी इसमें काफ़ी अच्छे से बनी थी। नॉनस्टिक कोटिंग होने की वजह से खाना थोड़ा जल्दी बनता है और आसानी से बन जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो वंडर शेफ़ के रॉयल वेलवेट कुकवेयर सेट की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।